एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आज है दिन संडे, आज संडे है और आज सबको आपको पता ही होगा आज हमें अपना दिए जलाने हैं रात के 9:09। सब लोग को अपना टाइम 9 मिनट तो एटलीस्ट दे ही सकते हैं आप लोग अपनी लाइफ से निकाल के। तो आज वही दिन है, आज हम लोग को सब लोग को दिए जलाने हैं। तो मैंने सोचा चलो आपको शुरू में ही याद दिला देती हूँ। लेकिन ये जो व्लॉग है ये जाएगा 2-3 दिन बाद जाएगा, तो आप लोग पहले ही जला चुके होंगे और पहले ही दिए जलाए होंगे। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा किसने किसने दिए जलाए हैं, किसने कैंडल और किसने टॉर्च लाइट मतलब फ्लैश लाइट की है, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मैं दिए जलाने वाली हूँ, जैसा कि आपने शुरू में देखा वो मैं बीच की क्लिप है बट मैंने स्टार्टिंग में लगाई। तो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इधर पीहू है, पीहू हाय। तो चलिए अभी मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर में। और हाँ, अभी मैं पीहू को सुलाने जा रही हूँ, उसके बाद मैं बनाऊँगी केक। तो आज मैं आपके साथ केक की रेसिपी शेयर करूँगी। मेरा केक कैसा लगा ये भी बताइएगा कमेंट करके, पहले ही पूछ ले रही हूँ आप लोगों से। तो चलिए पहले पीहू को सुला लेती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। तो अभी पीहू को मैंने सुला दिया है और अब मैं बनाने जा रही हूँ केक। तो चलिए मैं आपको पहले दिखा देती हूँ कि केक के लिए मैं क्या क्या कर रही हूँ। और अभी तक मैंने आज कॉम भी नहीं किया है, मैंने अपने बाल धुले थे, ऑयलिंग की थी कल। तो चलिए पहले आपको दिखाती हूँ। तो मैं यहाँ सबसे पहले अपने केक का बैटर बनाऊँगी। तो ये देखिए, ये है आधी कटोरी दही। अगर आपके पास फ्रेश वाला कर्ड है मतलब खट्टा नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, बट जो भी है चलेगा, कोई बात नहीं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि फ्रेश ही हो, थोड़ा बहुत 1-2 दिन का होगा तो भी चलेगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे सिर्फ आधी कटोरी ली है, थोड़ा सा ही बना के पहली बार ट्राई कर रही हूँ इस तरह से, तो इसलिए मैंने आधी कटोरी ली है। जितना आधी कटोरी मैंने दही लिया था उतना ही आधी कटोरी मैं चीनी लूँगी। तो ये देखिए मैंने चीनी ले ली है। अब इन दोनों को मुझे बहुत अच्छे से मिक्स करना है, जिससे क्योंकि मैंने इसमें चीनी पीसी नहीं है, आपने देखा खड़ी चीनी मैंने यूज़ करी है। लेकिन ये इतना अच्छे से मिक्स करेंगे ना बैटर पूरा एकदम अच्छा हो जाएगा, मतलब सारी जो खड़ी चीनी है वो घुल जाएगी। आप चाहें तो आप पीसी चीनी भी यूज़ कर सकते हैं, बट इसमें ऐसे ये चीनी यूज़ करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंने यहाँ पर आधी कटोरी सूजी ले ली है और इसको मैंने पीस लिया है, क्योंकि मेरी जो सूजी है वो थोड़ी सी मोटी है। अभी आप देख रहे होंगे कि मेरी चीनी बहुत हद तक घुल गई है। तो ये देखिए अब मैं इसमें सूजी डाल दूंगी। ये मेरी पीसी हुई चीनी है, आपके पास बारीक है सूजी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है बारीक तो पीस लीजिए। तो मैंने थोड़ा पीस लिया है और बारीक सूजी से बहुत अच्छा बनता है ये केक। बहुत दिन हो गए थे केक खाए और पीहू का भी मन हो रहा था केक खाने का। हम लोग ब्रिटानिया का लेके आए थे केक जब लॉकडाउन होने से पहले, तो अभी वो ख़त्म हो गया है। तो पीहू बोल रही थी मुझे केक खाना है, तो मैंने कहा चलो ठीक है आज केक बनाते हैं। तो बस ये देखिए मैंने इसमें सूजी डाल दी है। अब हमें इसको एक डायरेक्शन में थोड़ी देर फेंट लेना है, जिससे कि सारे लम्स जो हैं वो हट जाएँ, बहुत अच्छे से सारी सूजी मतलब सूजी फूल जाएगी और आपकी चीनी घुल जाएगी। अब मैंने इसमें डाला है बटर। देखिए मैंने ज़्यादा नहीं डाला है, थोड़ा सा ही बटर डाला है। अगर आप बटर की जगह रिफाइंड या कोई और घी ऑयल डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, बट उसमें आप थोड़ा सा एक चुटकी नमक डाल देंगे तो और ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। बटर से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, क्योंकि ये हल्का सा सॉल्ट इसमें पड़ा होता है, नमक होता है। तो ये देखिए मैंने सब कुछ डाल करके अब मैं इसको ढक करके रख दूँगी। अगर आप इसको बहुत अच्छा रिज़ल्ट इसका पाना चाहते हैं तो कम से कम 2 घंटे ज़रूर, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे ढक करके रखें, और नहीं तो 1 घंटा भी चलेगा। तो इधर मैंने अब चढ़ा ली है अपनी चाय और मैं पीहू के डैडी बैठ करके चाय पियेंगे। तब तक हमारा ये जो बैटर है ये अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा। तो अभी मैंने बीच में ब्रेक कर दिया था, काफ़ी देर हो गई है, मतलब 1.5-2 घंटे हो गए हैं। चलिए अब अपने बैटर में आगे प्रोसेस बढ़ाते हैं केक बनाने के लिए। तो देखिए मैंने थोड़ा सा मैदा लिया है, ज़्यादा मैदा मैं नहीं डालूँगी, अभी आप देखेंगे 1 से 1.5 चम्मच ही सिर्फ मैदा मैं यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप ना भी अगर डालेंगे ना मैदा तो भी चलेगा, सिर्फ सूजी का भी केक बहुत अच्छा बनेगा। तो मैंने इसमें थोड़ा सा डाल दिया है मैदा, ये देखिए कुछ इस तरह से इसको हमको फेंट लेना है और मिक्स कर लेना है, जिससे कि सारे इंग्रेडिएंट अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब मैं इसमें डालूँगी 1/2 छोटा चम्मच
क्या बेकिंग सोडा, उसके पहले मैंने यहाँ पे टूटी फ्रूटी डाल दी है। आपके पास अगर टूटी फ्रूटी नहीं है तो ना डालिए, थोड़े ड्राई फ्रूट डाल दीजिए, और वनीला एसेंस है तो वो डाल दीजिए। तो मेरे पास वनीला एसेंस नहीं है इसलिए मैंने नहीं डाला है। तो ये देखिए, अब मैं यहाँ पे आधा टी स्पून, अंदाजे से मैंने लिया है बड़ा स्पून, मगर आधा टी स्पून ये आपका बेकिंग सोडा हो जाएगा, और बेकिंग पाउडर है ये, और एक चुटकी बेकिंग सोडा। दोनों चीज़ डालना ज़रूरी है ये याद रखिएगा, दोनों में से कुछ भी कम नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ डालिए, दोनों चीज़ डालना ज़रूरी है। तो देखिए, अब इसको डालने के बाद हमें इसको स्लोली स्लोली बहुत धीरे धीरे पूरा बैटर अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब आप इसको मिक्स करेंगे तो आप देखेंगे आपका बैटर हल्का होता आपको नज़र आएगा, और मतलब फ्लफ़ी सा हो जाएगा आपका बैटर। तो देखिए, अब मेरा बैटर बिल्कुल तैयार है केक मोल्ड में डालने के लिए। तो मैंने यहाँ पर एक कटोरा लिया है, इसमें मैं अच्छे से ग्रीस कर लूँगी। मेरे पास बटर पेपर नहीं है इसलिए मैं बटर पेपर नहीं लगा रही हूँ, आपके पास है तो आप डाल लगा सकते हैं। इसके बाद मैंने इसमें डाला था थोड़ा सा मैदा और उसको डस्ट ऑफ कर दिया था, वो क्लिप मुझसे रिकॉर्ड नहीं हो पाई, वो मिस हो गई है। तो सबसे पहले अब मैं इसमें डाल दूँगी नीचे क्या बोलते हैं ये टूटी फ्रूटी एक बार डाल दूँगी, फिर उसके ऊपर मैं बैटर डालूँगी। बैटर डालने के बाद उसको डैब डैब करने के बाद फिर से मैं उसमें ये डालूँगी क्या बोलते हैं टूटी फ्रूटी। ये देखिए, मैंने अभी आपको मैदा दिखाया, एक्चुअली वो क्लिप मिस हो गई थी, फिर से मैंने उसको किया। तो यहाँ पे देखिए, अब मैं टूटी फ्रूटी डाल रही हूँ, और फिर अब ये इसको हम पकाएंगे कुकर में। तो मैंने कुकर गैस पे रख दिया है प्री हीट होने के लिए, और उसमें मैंने थोड़ा सा डाला है नमक, जिससे कि वो अच्छे से टेम्परेचर मेंटेन रखेगा। नमक क्या करता है, आपके कुकर का जो आप ओवन बनाते हैं ना कुकर को, उसका टेम्परेचर वो मेंटेन रखता है, इसलिए हम लोग नमक डालते हैं। तो मैंने थोड़ा सा ही नमक डाला है, फिर इस नमक को मैं रीयूज़ भी कर लूँगी। तो चलिए, अब बैटर डल गया है, अब आपको मैं दिखाती हूँ अपना कुकर। हाँ, मैंने अपना केक रख दिया है बेक होने के लिए, और इसको मैंने ढक्कन से पहले ढका। तो फिर मुझे लग रहा था कि इसकी जो भाप है वो इसके छेद से ऊपर सीटी वाले जगह से निकल रही है। देखिए, मैंने गैस स्लो कर दी है। तो फिर बाद में मैंने ढक्कन हटा करके प्लेट रखा, प्लेट के ऊपर मैंने ये चकला रख दिया है, मतलब होलसा रख दिया है, जिससे कि इसकी एयर जो है भाप बिल्कुल बाहर ना निकले, दबा करके मैंने इसको रख दिया है। और हमें इसे 20 से 25 मिनट आराम से पका लेना है। तो एक बार चलिए चेक कर लेते हैं क्या हमारा केक पक गया है। तो ये देखिए, हमारा केक जो है ऑलमोस्ट पक चुका है, लेकिन अभी 20 से थोड़ा सा मैंने देखा कि थोड़ा सा कच्चा मुझे लग रहा है। तो अभी मैं इसको 5 मिनट और पका लेती हूँ। तो बस मैंने इसको ढक दिया है, और 5 मिनट बाद मैं इसको फिर से चेक कर लूँगी। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever. तो हमारा केक बन चुका है, ये देखिए। मैंने केक निकालने के 15 मिनट बाद केक को पलटा है, मतलब बाहर निकाला है, डीमोल्ड किया है, और कैसा लग रहा है मेरा केक आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। खाने में टेस्ट भी बहुत अच्छा है और देखने में भी बहुत अच्छा है। अभी हम लोग खा चुके हैं केक, और अब मैं नहा करके किचन में फिर से आ गई हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, पसीने पसीने हो गई थी। और मैं यहाँ पे बना रही हूँ दिए, क्योंकि मैं आज, जैसा कि मोदी जी ने कहा था, अभी हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं शाम के दिए जलाने की तैयारी। तो मैं बत्तियाँ बना ले रही हूँ, क्योंकि अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर छत पे। तो मैंने 5 दिए
लोग जलाएंगे दिए बना करके रात में, है ना। तो ये मेरे दिए तैयार हो गए हैं, मैं इसमें तेल डाल दूंगी और फिर हम लोग जा रहे हैं छत पे। तो मैंने सोचा चलो बना देती हूँ दिए, बना के जाऊंगी तो बत्ती अच्छे से फूल जाएगी, मतलब ठीक रहेगा, और फिर आकर के अपना डिनर की तैयारी करके डिनर विनर करने के बाद उसके बाद फिर 9 बजे जलाएंगे दिए। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपको। और फ्रेंड्स ये जो आज हो रहा है 9 मिनट 9 दिए जलाना, मतलब 9 बजे दिए जलाने वाला ये जो कार्यक्रम है, ये इतिहास में गवाह है, मतलब इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है। और जब हमारे बच्चे बड़े होंगे तब ये वीडियो देखेंगी, मतलब जब मेरी पीहू बड़ी हो जाएगी उस समय ये वीडियो जब देखेगी तो उसको पता चलेगा कि जब वो छोटी थी तब ये सब भी कुछ ऐसा हुआ था। अब सिर्फ 7 मिनट बचे हैं तो जल्दी से हम लोग अपनी तैयारी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स अभी सिर्फ 2 मिनट बचे हैं और हम लोग दिया जलाने जा रहे हैं। लाइट मैंने सब कुछ ऑफ कर दी है, ये आपको फ्लैश की लाइट नजर आ रही होगी इसलिए है ऐसा। अभी मैं लाइट फ्लैश बंद कर दूंगी तब आप देखिएगा। पीयू साइड हो जाइए। तो देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा लग रहा है, जैसे लग रहा है दिवाली ही आ गई है। और अभी लोगों ने अपने घर में दिया जलाना भी स्टार्ट कर दिया है। तो ये दृश्य देख करके, ये सीन देख करके दिल एकदम भर गया, आंखें मतलब एकदम आंसू गिरने ही वाला था। क्या ये पल था कि बस पूछो ही ना, देख करके इतना अच्छा लग रहा था कि हमारा जो भारत है, हमारे भारत के लोग जो हैं वो आज भी एक साथ हैं। कोई भी विपत्ति आएगी, कुछ भी आपदा आएगी तो हम सब लोग मिल करके एक साथ खड़े होकर के उस विपत्ति को दूर कर सकेंगे। तो अभी आपको आगे वो सीन, वो दृश्य दिखाई देगा जो देख करके बहुत ही ज़्यादा भावुक था। इसके पहले जब हम लोगों को क्लैपिंग करना था उस समय भी मेरी आंखें एकदम नम हो गई थी, मतलब बहुत ही दिल भर आया था। तो आज भी ऐसे ही कुछ दृश्य था। चलिए अब बेडरूम में रख देते हैं। तो एक दिया हम लोग ने रख दिया है यहाँ किचन में। चलिए अब चलते हैं बेडरूम में। और लाइट ऑफ है इसलिए आप लोग को अंधेरा लग रहा होगा, लेकिन आज इसी लाइट से आपको काम चलाना पड़ेगा जैसा कि मोदी जी ने बोला ही है। तो आज रखते हैं दिए जलाते हैं। दो दिए मैंने इधर बेडरूम में लगा दिए हैं और बाहर का देखते हैं नज़ारा क्या है। अभी तो लोगों के घर की लाइट्स जल रही हैं कहीं कहीं पे, और किसी किसी ने दिए जला भी दिए हैं। देखिए दिखाती हूँ, तो ये देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा नज़ारा है ये, और देख करके दिल सच में बहुत भावुक हो गया। आप लोग को कैसा फील हुआ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो लोगों ने शंख बजाए, घंटियां बजाई, क्लैपिंग करी और हम लोगों ने भी क्लैपिंग करी तो बहुत अच्छा लगा। कुछ लोग पटाखे भी छुड़ा रहे थे, ठीक है, बट जब मोदी जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा तो नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो फ्रेंड्स यही था मेरा आज का व्लॉग। ये दृश्य देख के बहुत अच्छा लग रहा है। 9 बजे 9 मिनट हम सब लोगों ने दिए जलाए। आप लोग ने कितने जलाए, क्या जलाया, दिया या फिर मोमबत्ती, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट।